सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे ब्रह्मपुत्र व्यू पॉइंट जो है पलासबारी में। तो आप ही वीडियो को शुरुआत से देखिए। My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. और आज है 11th of September और मैं अभी हूँ जालुकबारी में और आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही एक सुंदर सा जगह पे जहाँ से सनसेट भी बहुत ही सुंदर आता है और वो जगह का नाम है पलासबारी। तो जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले देखा मैं वहाँ पहुँच चुका था तो ये सफ़र यहीं से स्टार्ट होता है। तो अभी मैं फिलअप कर चुका हूँ इसका पेट्रोल, तो आगे बढ़ते हैं अभी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और टाइम कुछ 4:30 जैसा हो रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करते और मोटो ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। लेफ्ट साइड और सीधा जाने से हमें मिलेगा सरायघाट ब्रिज और यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड एयरपोर्ट की तरफ और आगे से हम लोग लेंगे राइट टर्न। तो फिर चलिए देखते आगे क्या होता है। और गाइस मैंने मतलब कि फ़ोन को एंड्रॉइड से कनेक्ट किया है तो इसके वजह से मतलब मैं मैप यही मीटर पे देख सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वो जगह कहाँ पे है। और यहाँ पे मैं ले चुका हूँ राइट टर्न, तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं 4 किलोमीटर यही सेम रास्ते पे। तो नज़ारे को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम मैप में देख चुके हैं तो यहाँ पे मतलब एक टर्निंग था लेफ्ट साइड में तो मैं कंफ्यूज हो गया था, पर यहाँ से सीधा जाना है। अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम लोग पलासबारी टाउन में पहुँच जाते हैं, पर यहाँ से हम लोग जाएंगे स्ट्रेट। जस्ट मैं अभी पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे और बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब पीछे से पूरा ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं उस तरफ से लेकर के इस तरफ तक और यहाँ से शॉट्स बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए और सूरज भी ढलने वाला है। तो निको भाई का मुझे डायलॉग याद आ गया, सन इज डुबू डुबू। तो हाँ निको दा सन इज डुबू डुबू हो ही उसे थे। सो अभी आप यहाँ से सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए, फिर हम वीडियो के एंड में मिलते हैं। सामान पांच सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा मैं। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो, जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात फिर भी जी चारी ए। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज, उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे छिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। चले कर श्वेत पवन का
और गाइस ये मतलब बहुत ही अच्छा जगह है, तो आप लोग भी यहाँ पे जरूर आइए। और गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है ये, मतलब हमारे हाथीगांव से ये 35 से 40 किलोमीटर्स के अराउंड में है। और बहुत ही मतलब शांति सा जगह है और चिल मारने के लिए एकदम अच्छा जगह है। और अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और बहुत ही मतलब पीसफुल जगह है ये, बहुत ही शांति है यहाँ पे। सो गाइस बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे रुके और पता चला कि ये पिकनिक स्पॉट भी है, मतलब थोड़ा सा विंटर टाइम होने से मतलब यहाँ पे सब लोग पिकनिक करने आते हैं। तो फिलहाल तो पानी का लेवल अभी बहुत लो है, तो सीनरी बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ से देख करके, और अंधेरा भी बस होने को ही है। तो अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो आज तक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो व्लॉग को ये एंड करते हैं, तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ। मैट्रिक रुस्तम ब्लॉगिंग ऑफ।